चलती क्या ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? ओ भाई माय के चोदो मामो तेरा बहन के चोदो महावीर वाला ओ भाई इसको चूड़ा तो आओ यारो। तो फाइनल इस चैनल के इस वीडियो पर मैंने डिसाइड कर लिया कि किस तरह की वीडियो लाऊंगा। ऐसे वीडियो लेके आऊंगा जिसे देख देख कर आप सब हंस हंस के रोल पोड़ हो जाओगे। हैं ये तो कुछ मैच ना हुआ। हंस हंस के पागल हो जाओगे। गुड क्वेश्चन। लेकिन इस वीडियो से बनाने से पहले मैंने काफी सारे ऐसे ऐसे आइडिया और वीडियो सोचे रखे थे जो कि यूट्यूब पर नहीं मिलने वाले, लेकिन जब मैंने उसे सर्च किया तो मिल गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो फिर भी कोई बात नहीं, कहते ना मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। तो तुम्हारा भाई आज से बहुत सारी मेहनत करेगा। तो आपने काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबरों को अपना टाइम तो दिया ही है, तो थोड़ा सा अपने भाई को भी दे दो, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग कर दी तो इस वीडियो को बिना एंड तक देखे हुए आप जान नहीं सकते। तो बिना ही आपका टाइम वेस्ट किए करते इस वीडियो को स्टार्ट। तो लेट्स बिगिन। बेचारा लग रहा है वो तो उसको मार रहा है। स्टॉप। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपके लेग्स ब्लॉक है और आपके हाथ भी, तो क्या करना है? क्यों चलती क्या बदतमीज। मेरे कमरे में या तेरे कमरे में? ए सुन ना, आजा ना। सॉरी सॉरी, देखो मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। अरे मैं भी इस तरह के आरोप नहीं। तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या? अरे नखरे क्यों कर रहा है? देख ऑफ सीजन चल रहा है, 50% डिस्काउंट। देखिए प्लीज। अरे पापा को लड़की छेड़ रही है। चल चल। अरे कोई बचाओ, आ जा ना। अरे कोई तो बचाओ। ओ भाई। पहले बंदा मदद करता है फिर उसके बाद मारता है। ऊपर ऊपर इसका मतलब है? ये क्या है? ऐसे रंग कौन लगाएगा? ये क्या काम है? कामसूत्र। भाई साहब ये तो ऐसे लग रहा है, रियल वाला सीन लग रहा है मेरे को। गांधी जी कहते हैं कि छुपाना पाप है। बिल्कुल। तो आपका ये प्यारा ब्लाउज बड़ा पापी। माय के चोदो महावीर वाला। भाई महात्मा गांधी कितना रियल लग रहा था। क्या के चोदो वाला? भाई ऐसी स्थिति में फोन ही टूटता है। ए नेक्स्ट। वाह किसम किस हो रहा है। ओ मतलब बंदे के साथ वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ठक। ओह भाई इसको छूड़ा डायलॉग बोलकर बताओ। अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। अगर वो तुझे मिल गया फिर भी मर जाएगी बता। मतलब समझे नहीं? एक बार और। अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। अगर वो तुझे मिल गया फिर भी मर जाएगी बता। वो तो कन्फर्म ही मर जाएगी। जब मैं बच्चा था मैंने बाप से कहा कि मुझे अंग्रेजी स्कूल में जाना है, तो बाप ने मुझे पंजाबी स्कूल में डाल दिया और मेरे भाई को अंग्रेजी स्कूल। मैंने कहा मैं कब जाऊंगा अंग्रेजी स्कूल में? बाप कहता फिर कभी, और मैं चुप रहा। कॉलेज में एक लड़की से मोहब्बत करता था,
तो उसे मैंने कहा कि मुझसे शादी करोगे, उसने कहा फिर कभी और किसी और से शादी कर। मैं सारा तब भी चुप रहा। मेरा बाप मरते मरते वसीयत में मेरा घर मेरे भाई के नाम करके चला गया, पर मेरे भाई ने मुझे और मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कि यार बीमार माँ है, बुढ़िया है, मैं उसको लेके कहाँ कहाँ भटकूंगा, माँ के लिए तो घर में एक कमरा दे दे। वो बोला फिर कभी। माँ को झोपड़े जैसे घर में रखा मैंने। वो बीमार थी, आखिरी सांसें ले रही थी और उसकी चौखट पर मैंने सर पटक पटक के उसके जीने की भीख मांगी। मैंने कहा कि माँ तू रुक जा, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकूंगा, तू रुक जा। उसने कहा फिर कभी, फिर कभी। फिर मैं चुप रहा, मैं चुप रहा, मैं चुप रहा, चुप रहा। कब तक? अब दिन मत छोटा कीजिए राजी, फिर कभी कभी नहीं, अभी ये नहीं। मैं आपकी कहानी सुनूं, सुनाइए। तो अभी जो सुनाया हो क्या है? क्या यही तो कहानी है? कहानी है? ना ना, मेरी रियल लाइफ में तो मैं मस्त रहता हूँ। भाई मतलब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। कहता मैं आपकी कहानी सुनूंगा, कहानी तो है, यही तो कहानी है। वक्त पर आ गया, वरना बहुत देर हो जाती। ओ हाँ, मैं अभी अभी घर के लिए निकलने वाला था। वो लड़की और कुछ सोच रही थी, बनाए प्लस कहाँ कर रहा है। हाँ ये भी कह रहा है इजी है, इजी आराम से। मेरे तो वो चुए सरिया सरिया बंदे को पसा आ रहा है। देख क्या कर, देख बाबा का। उस बंदे को अगर आपको भी अपने दोस्त को मार खिलाना है ना, तो सबसे पहले ऐसे करना है जैसे छोटू ने किया था, फिर उसके बाद उस बंदे को मारने के लिए क्या उपाय निकाला। वाह, पावर ऑफ मनी। वो देख शरम, देख हया, शरम नहीं आती तुझे? तेरे घर में माँ बहन नहीं है, एक शरीफ लड़की को छेड़ता है, एक रुपये में एक औरत की इज्जत खरीदना चाहता है। क्या नाश हो तेरा, तुझे कीड़े पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना।